दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट में चल रहे नए स्कैम के ऊपर। डोंट वरी, जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील्ड, जो हमारा चैनल है जिस कैटेगरी का, इससे रिलेटेड ही है पूरा, और आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए। या तो अगर आप एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो या आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, ये आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये स्कैम किस टाइप के स्कैम्स होते हैं या फिर ये स्कैम होते क्यों है, जितने भी डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं आजकल। ठीक है, मैं आज इस वीडियो में एक दो एग्जांपल देके बताऊंगा, बट आप लोग को ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप सभी को पता है दोस्तों, लास्ट कुछ फ्यू इयर्स में, मतलब एक दो साल में, बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस को बैन किया गया। ठीक है, क्योंकि वो लोन एप्लीकेशंस किस तरीके से स्कैम कर रहे थे ये आप सभी को भी पता है, और ये ना बहुत ऐसे तरीके से स्कैम करते हैं, और टारगेटेड ऑडियंस भी इनकी वही रहती है ना, जिनको जो जॉब पर्सन हो, जिसकी सैलरी आती है 30 तारीख को, लेकिन उसके खर्चे उससे ज़्यादा होते हैं, और उसे बीच में 10,000-15,000 की जो ज़रूरत पड़ती है जो उसके फ्रेंड से मांगने में उस पर ना मिले, उन लोगों को ज़्यादा ये टारगेट करते थे। क्योंकि क्या होता है, अगर मान के चलो आप अपने फ्रेंड से पैसा मांग रहे हो, आपको वो नहीं दे रहा है, सम टाइम नहीं दिया तो अपने को शर्म भी आती है, तो अपन क्या करते हैं इस टाइप के एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, इनका एडवर्टीजमेंट भी उस तरीके का चलता है ना फेसबुक वगैरह पे। तो अपन क्या करते हैं, उन एप्लीकेशन में जाके अपना डिटेल पूरा फिल करते हैं। डिटेल फिल करने के बाद अपन इन लोग से 10,000 या जो भी 20,000 या एक्स वाई जेड अमाउंट अपन इनसे लोन में ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके साथ क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं सिर्फ लोन स्कैम के ऊपर बात नहीं करने वाला, मैं बहुत बड़े से बड़े स्कैम के ऊपर बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या लगता है कि भाई हमने इनको क्या ही डिटेल दिया है, हमारा नाम, मोबाइल नंबर जो कि हमारे पास रहने वाला है, पासवर्ड जो हम जानते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो कि हमारा है, बस उनके पास डॉक्यूमेंट है, उससे ज्यादा ये हमारा क्या ही कर लेंगे, ये सोच के हम लोग उनसे लोन ले लेते हैं। और ऐसा नहीं कि इंटेंशन खराब रहता है लोन वापस उनको पे नहीं करने का, देखो इंटेंशन क्या है कि आपके आपने 10 के लिए है तो आपको उस पे इंटरेस्ट वगैरह लगा के 11,000-12,000 आपको पे करना रहता है। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है जब आप ऐसे एप्लीकेशन से लोन लेते हो उसके बाद में क्या होता है कि ये आपसे उसका 100x यानी कि 10 गुना ज्यादा भी भरवा देते हैं ये लोग आपसे। उसके पीछे रीजन क्या, जैसे मान के चलो आपने 10,000 लिया, आफ्टर 5 डेज इनकी तरफ से कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे मेरे बहुत क्लाइंट्स के साथ हुआ है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने रियल टाइम वर्ल्ड में देखे, तभी ये सारे स्कैम्स जो है बैन किए गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये लोग आपको 5 से 10 दिन बाद फोन करके आपका सीधा उसका डबल पैसा आपसे डिमांड करते हैं जितना आपने लिया था। ठीक है, अब डबल उस टाइम भी आदमी सोचेगा मैं डबल क्यों पे करूं जबकि मैंने इंटरेस्ट इस पे लग ही नहीं रहा, 10-20% लग रहा है, फिर भी एक छोटा सा अमाउंट होता है वो 1,000-2,000, तो आपको सीधा 20,000 अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है अगर मैं पे नहीं करूंगा तो क्या ही करेंगे, कॉल ज्यादा ज्यादा करेंगे मुझे, मैं ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब आपने इनका एप्लीकेशन इंस्टॉल किया रहता है तभी उसी टाइम ये लोग आपके गैलरी का एक्सेस ले लेते हैं, फोन का एक्सेस ले लेते हैं, यहां तक कि कुछ कुछ तो ऐसे एप्लीकेशन है जो आपके नोटिफिकेशन तक का एक्सेस ले लेते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है ना, आप लोग तो नॉन टेक्निकल हो, ठीक है, जो बंदा एप्लीकेशन सिर्फ यूज करना जानता है तो उसके सामने बस एक पॉपअप आता है जहां पर उसको अलाउ करना रहता है कि भाई हाँ दिस एप्लीकेशन वॉन्ट योर गैलरी एक्सेस, अपन ने अलाउ कर दिया। अपने को लगता है गैलरी एक्सेस मतलब जो मैं फोटोज वगैरह अपलोड करूंगा ये उस चीज की बात हो रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। गैलरी एक्सेस से, मैं खुद डेवलपर हूं, मैं डेवलपमेंट कंपनी चला रहा हूं, हमें पता है जब आप परमिशन देते हो तो वो आपके पूरे गैलरी के सारे फोटोज को ले सकता है, यानी कि देख सकता है, प्लस अपने सर्वर के फोटोज में ऐड भी कर सकता है, यानी कि रीड राइट का पूरा परमिशन आप दे रहे हो, प्लस आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले सकता है वो, लेते ही ऑब्वियसली तो आपके पूरे कॉन्टैक्ट नंबर विद नेम उनको पता चल जाता है। ठीक है, अब आप सोचो आपकी पूरी गैलरी का एक्सेस है, आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस है, उसका कितना नेगेटिव यूज करके आपसे पैसा वसूल सकते हैं। अब मान के चलो आपका स्कैम हो भी गया, ठीक है, उस कंडीशन में अब कुछ और भी सेकंड स्कैम, मतलब जब आपका फर्स्ट स्कैम तो ये हुआ कि आपने लोन वगैरह लिया, आपको उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, मतलब 100x आपको पे करना पड़ रहा है। अब इस बीच में आते हैं ये और बाबाज वाले स्कैम, ठीक है, जो आपको बोलेंगे हम आपका हाथ देख के बता देंगे कि आपका लोन इस टाइम पे भरना है या आपको नहीं भरना है या आपके ये प्रॉब्लम चल रही है, आपको हम बताएंगे ये करो ये वो, मतलब जो भी एक्सपेक्टेड बताते हैं इससे आपके वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये दूसरा स्कैम है, ठीक है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है इसमें। आपको मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तो आप पहले ये देखो, और ये चीज ना एप्पल में बहुत सही है, ये चीज एंड्रॉयड में नहीं है। एप्पल क्या करता है, आईओएस डिवाइसेस जो रहते हैं एक लिमिटेड एक्सेस देते हैं, और जब कोई डेवलपमेंट टीम या डेवलपर एप्लीकेशन बना भी रहा होता है ना आईओएस के लिए, तो उसको वहां बताना पड़ता है कि वो एक्सेस वो क्यों ले रहा है, उसके एप्लीकेशन में उस एक्सेस की क्या जरूरत है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो एक एप्लीकेशन है, वॉलपेपर एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वॉलपेपर के एप्लीकेशन में वॉलपेपर को सिर्फ आपके गैलरी का एक्सेस, ठीक है, आप दे सकते हो, क्योंकि गैलरी में क्या हो कि वो आपके डाउनलोड वगैरह करोगे तो आपकी गैलरी में सेव होगा, इसके लिए आप उसको परमिशन दे रहे हो, बट वॉलपेपर एप्लीकेशन को आपके कॉन्टैक्ट के एक्सेस की क्या जरूरत है, आपके लोकेशन के एक्सेस की क्या जरूरत है। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तो आप ये देखो कि उस एप्लीकेशन को आपके इतने सारे एक्सेस क्यों चाहिए, नोटिफिकेशन का एक्सेस हो गया, गैलरी का एक्सेस हो गया, कॉन्टैक्ट का एक्सेस हो गया, लोकेशन का एक्सेस हो गया, रीड राइट सब ले लेते हैं वो लोग एक्सेस। ठीक है, अब एक्सेस जब आप देते हो ना तो सबसे बड़ी
प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि आपने अपना फोन उनके हाथ में सौंप दिया, ठीक है, चला तो आप रहे हो, घर आपका ही है, लेकिन ऊपर से जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो देख रहे हैं पूरा वीडियो, मजे वो लेते हैं। और ये एक्चुअल में होता है, लगभग सारे ऐप करते हैं, ठीक है। यही चीज तो फेसबुक के लिए बैन कर दिया था ना एप्पल ने, तो बेचारा एडवर्टीजमेंट वगैरह कर नहीं पा रहे थे मार्क ज़करबर्ग, उसके बाद में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और उनके काफी शेयर्स डाउन भी हुए, है ना। तो इन सब चीज को आपको समझना है, जितने भी एप्लीकेशन है वो जब भी आपसे रीड राइट परमिशन ले रहे हैं या कोई भी परमिशन आपसे ले रहे हैं तो आपको सोच समझ के देना है, फिर डिनाई कर दो सीधा, भाई मुझे नहीं देना एक्सेस, मुझे एप्लीकेशन यूज करना है, मुझे कोई मेरा परमिशन नहीं देना, ठीक है। तो ये सोच के जब आप एप्लीकेशन को यूज करोगे तो चांसेस वहां पे हैं कि आप सेफ हो। तो इस टाइप के स्कैम से बचो, कोई भी एप्लीकेशन जब नेक्स्ट टाइम इंस्टॉल करो तो उसको एटलीस्ट देखो कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो परमिशन मांग रहा है, क्या इस एप्लीकेशन को इस परमिशन की जरूरत है या नहीं है, ये चीज समझने के बाद ही आप उसको एक्सेस दो, क्योंकि एक्सेस देने के बाद वो आपके पूरे कॉन्टेक्ट देख सकता है, गैलरी एक्सेस देख सकता है, आपका लोकेशन देख सकता है। दूसरी चीज ये, अगर आपको लाइव देखना होगा कि मतलब ये एक्चुअल में कैसे वो लोग देख पाते हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना, मैं मेरे वीडियो में लाइव भी आपको ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा, एक डेमो दिखाऊंगा कि वो लोग कैसे बैकएंड से एक्सेस लेते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे, और नेक्स्ट टाइम ऐसे स्कैम से आप दूर रहोगे, और ये सारी चीजें ओके हैं तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।